जाहिल आदमी होगा जो ऐसी बातें करेगा फालतू। बिल्कुल नहीं मेरे को कोई मेरा धर्म पुरम नहीं भाई, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मेरा नाम इंडिया इंडिया। भाई करण भाई को देखो, करण भाई से मिलो, करण भाई की बातें सुनो, बिना माइक के जबरदस्त आवाज है, सॉलिड। नहीं देखो भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ करण भाई के लिए, आप सब सुन रहे हैं, करण भाई भी सुन रहे हैं, दिल से रिस्पेक्ट है, हमने तो कभी इंडिविजुअली नहीं बोला इनको। करण भाई जो वीडियो डालते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए नहीं, वो आपकी नॉलेज के लिए डालते हैं, और वो इंसाफी बात बोलते हैं। जब भी कोई चीज गलत होती है तो गलत बोलते हैं, जब जो चीज अच्छी हो रही होती है तो वो अच्छी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों नूर खान के साथ मेरा खुद का एक लाइव वीडियो है ये, जो लोग धर्म की बातें करते हैं, जो मैं भी कहता हूं कि धर्म की बातों को इन बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे नहीं आना चाहिए, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए धर्म से। तो एक बार ये लाइव सुन लो, इसमें फिटनेस के लिए भी कुछ बातें करी गई हैं, मेन मेन बातें ही इसमें मैंने रखी हैं, क्योंकि कोई भी लाइव होता है वो बहुत लंबा होता है। एक बार आप ये लाइव सुन लो भाई, फिर थोड़ी सी बातें लास्ट में हम जैसे हमेशा करते हैं फिर करेंगे। क्या मैगी खाकर बॉडी बना सकते यार? ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया दोस्त, अब तो दूसरे पे आ जाओ यार, अब थोड़ा वो है बड़े भाई, प्लीज चेंज जी पे, अब ये भी पुराना हो गया। आज करण भाई से बात करते हैं हम, आ जाओ भाई, थोड़ी सी देर की बात होगी करण भाई से, ऐड कर दूंगा। करण फिटनेस कहाँ है? करण भाई कहाँ है? करण भाई दिख नहीं रहे यार आप। हाँ एक्सेप्ट भाई, सुनो हमारी बातें करण भाई के साथ। और जुनैद भाई भी आ गए क्या? कनेक्ट होने में टाइम लगा नूर भाई। हाँ भाई, कैसे करण भाई? एक नंबर, तू सुना दे भाई। भाई बढ़िया भाई, बढ़िया है, हम तो बढ़िया है। नहीं 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 बढ़िया भाई, पीनट बटर वगैरह रख के बैठे हैं आप पीछे, क्या बात? हम तो दुकान पर रहे नूर भाई, अपना काम ही हो है। नहीं नहीं बढ़िया, देखो करण भाई की शॉप है, न्यूट्रिशन वगैरह, पोल न्यूट्रिशन रखा है ना आपने? सब 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 चलता है भाई, भाई पोल न्यूट्रिशन रखा है। करण भाई की दुकान पे फोन करो, इनको नंबर वंबर आ देखो रखा हुआ है भाई, पोल न्यूट्रिशन रखा हुआ है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं मिल रहा है, वो करण भाई को फोन करके। नूर भाई मैं ना ऑनलाइन कोई धंधा नहीं करता एक रुपए का भी, हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे सिर्फ स्पेशली भाइयों की मदद के लिए आए हैं। हाँ बढ़िया है, तो कोई बात नहीं हमारी। मैंने कह रहे भाई बिल्कुल निकलेगी, आप मैंने लोगों को ये बताया, लोग कहते ना बॉडी बिल्डिंग महंगी है, बॉडी बिल्डिंग महंगी नहीं है, कोच अच्छा होना तो स्मार्ट माइंड से कम पैसे में एक आम इंसान बॉडी बिल्डर। साहिल भाई का कोई इतना पैसा अमाउंट खर्च नहीं हुआ, जो था भाई मेरी फीस थी जो दी है उन्होंने ईमानदारी से, और मगर वो डेडिकेटेड, उनके अंदर डिसिप्लिन, आप यकीन मानो, वो ऑनलाइन मैंने उनको ट्रेनिंग कराई है करण भाई, आप यकीन करना, उनको एक शेड्यूल मैंने ऐसा बना के दे दिया, अब उसके बाद में उनको बताया भाई 3 वीक आप इसको फॉलो करो, इतनी ईमानदारी से हर बार 3 महीने के अंदर उन्होंने 6 बार मेरे पास में आए बस खाली, अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आ पाते क्योंकि बरेली रहते हैं। और उन्होंने सारे कॉम्पिटिशन अपने अभी तक कम से कम 5 मेडल वो गोल्ड ले चुके हैं, 5 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, और वो सारे देख रहा हूं मैं, सारे देख रहा हूं, मतलब कि, और हमने भी उनको फुल परमिशन दी है भाई, खेलो आप जहां जगह मिलती है जैसे मिलते खेलो, क्योंकि हमें भी मालूम है यार 43 की एज में बंदा चल रहा है और वो ये डेडिकेशन दिखा रहा है और अपना इतना बेस्ट दे रहा है, इतना बेस्ट वर्जन 24 साल के 23 साल लड़कों का यही है। देखो करण भाई भी यही फिटनेस के लिए कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वो 43 साल के होके वो कंपटीशन खेल के जीत सकते हैं, तो आप लोग तो भाई अपने आप को फिट रख सकते हो ना, आप तो यंग हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, आप में तो कोई कमी नहीं है, और वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं था साहिल भी, तो आपके पास आके कोई प्रोफेशनल नहीं था ना वो। नहीं अरे वो उनको पोजिंग तक, उनको सेवन पोज सिखाए हमने कि भाई इस तरीके से ये होता है ये होता है, तो उनको प्रेजेंट करना, उनको एकदम तरीके से दिखाना, और हर एक और आदमी भी वो बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा, बहुत ठंडा, मैंने बहुत अच्छा लगा, और जब उसने बिग फिट क्लासिक में मेडल मारा 3रे नंबर पर आया तो और भी अच्छा लगा, इतनी बड़ी स्टेज से कोई ये भी नहीं कह सकता सेटिंग है। नहीं मैंने बोला था, मैं सुना था, कोई मैसेज आया था कि भाई वहाँ पे ही आ रहा है, वहाँ पे एक ने वीडियो बना दी किसी ने कि भाई नूर भाई खेलेंगे, मैंने कहा भाई नूर भाई खेले ना खेले, नूर भाई के चेलों को खेल लो पहले, इनको लो उनको ही जी हराओ पहले। और एक भाई मेरे की मेरी वीडियो बोला आप नूर खान के पट्टे बोलते हो, मैं बोला पहलवानी होती ना रेसलिंग, उसमें पट्टा ही होता है, पट्टा ही होता है, और गुरु का चेला होता है, ये शब्द हमारे देसी है, देसी है। नहीं भाई देखो हम सारे ही देसी हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और बड़ी खुशी मिलती है कि हम देसी होने के साथ में हमारे बहुत सारे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे, मतलब करण भाई रियलिटी में कम से कम मेरे कुछ नहीं तो कम से कम 12 से 13 कंट्री है जहाँ मेरी ट्रेनिंग होती है, बट हैं वो सारे देसी,
मेरा इंस्टाग्राम भर जाता नूर भाई, आपका नंबर मांग मांग के मेरा भरा रहता है सबसे ज्यादा। अच्छा। मेरे चैनल पे वीडियो चलती नूर खान की और व्यूज भी मेरे पे आते हैं, और किसी और कोई डाले तो नहीं। देखो भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ करण भाई के लिए, आप सब सुन रहे हैं, करण भाई भी सुन रहे हैं, दिल से रिस्पेक्ट है, हमने तो कभी इंडिविजुअली नहीं बोला इनको। करण भाई जो वीडियो डालते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए नहीं, वो आपकी नॉलेज के लिए डालते हैं, और वो इंसाफी बात बोलते हैं। जब भी कोई चीज गलत होती है तो गलत बोलते हैं, जब जो चीज अच्छी हो रही होती है तो वो अच्छी बोलते हैं, ये इनके चैनल की खास बात है। और भाई एक चीज और इस लाइन में कहना चाहूंगा, कोई धर्म कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा इंसान होना चाहिए। लोग ये जो अभी ना कंट्रोवर्सी चल रही है धर्म के नाम की, और अभी जस्ट मैंने वीडियो डाला, जस्ट देख लेना जो भी अपने भाई है साहिल खान के ऊपर। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, धर्म कुछ नहीं है भाई, इंसान अच्छा होना चाहिए। आप इंसान बढ़िया है, एक पिक्चर देखी थी राजा हिंदुस्तानी, वही नाम रख लो भाई, उसी नाम से है। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत तारीफ करते लोग की भाई वाकई में नूर खान का जो बोलने का लहजा ना वो दी बेस्ट है। नहीं बस वो दुआएं आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, सब चीज हमारे साथ में ही है। अभी ऐसा हुआ था कि हमने जैसे दिवाली पे डाला था, धर्म की बात आ गई, हमने दिवाली पे पोस्ट डाला था, हमारी मम्मी है जो पूजा पाठ करते दिखा रही थी, तो कुछ अपनी कंट्री कुछ बाहर के लोग हमें उनको हिंदू हिंदू, तो हमारा जवाब यही था भाई मेरी माँ हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान में जो भी चीज होगी वो सभी चीज करेंगी और हम सब वो करेंगे, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म सबसे बड़ा है हिंदुस्तान इंडिया, और हमारा एक ही देश है, हम उसी के लेके आएंगे। कुछ लोगों की वजह से पूरा धर्म बदनाम होता तो उसमें हमारी तो गलती नहीं ना, हमारी वो गलती नहीं है भाई, हमें इंक्लूड मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, जो धर्म वाले लोग हैं उनसे हमें भी कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव, हमें कोई मतलब नहीं, इंसान बढ़िया होना चाहिए और तुम्हारी जितनी हो सकते हेल्प करने लग रहे हैं जितनी पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, सब सारे सब अपने भाई हैं, भाई हम फिटनेस से जुड़े हुए इंसान है, मैं धर्म से राजनीति से कोई बंधन है। इंडिया में जन्म लेने वाला करण भाई, इंडिया में कोई भी इंसान ने जन्म लिया अगर वो वाकई में इंडिया में जन्मा है, वो जानवरों तक से इतना मोहब्बत करता है, वो इंसान से कैसे नफरत कर सकता है, कर ही नहीं सकता। जाहिल आदमी होगा जो वो ऐसी बातें करेगा फालतू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति लोगों का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम है सिंपल सी बात है। अब देखो भाई हमारे अंदर क्या कुछ है, अब करण भाई है यार, एक चीज है, हम है, हम सभी लोग एक दूसरे के भाई बंधु बन के अपना अपना रह रहे हैं, हमें कोई मतलब थोड़ना है किसी चीज से, फालतू की चीज से। अपना फिटनेस इंडस्ट्री में आज ये अपना शॉप पे बैठे, मगर ये इंसान मेरे सामने शॉप पे बैठा, मैं कभी भी अपनी दुकान का प्रमोशन करते तक नहीं देखा, कभी ये नहीं बोला कि मुझसे ये लोग अभी, तो ऐसे मतलब इंसान की यार, आप जैसे इंसानों की इज्जत है भाई, कि इनको स्वार्थ ही नहीं किसी चीज का, मतलब कोई भी मतलब नहीं, कोई मुंह माया नहीं। अरे हाँ बॉडी बिल्डिंग पसंद है, इंडस्ट्री पसंद है, आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन देना पसंद है, वो दे रहे हो। और भाई, भाई मैं ये मानता हूँ मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, स्टेज पे ना खड़ा कर सकूं, लेकिन बिगनर बच्चों के लिए मेरे पास कोई नॉलेज की कमी नहीं है, अपने छोटे भाई ना है गलत रास्ते पे चलने से मैं रोक सकता हूँ। बस बस बस, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, और हर जगह आप तो इवेंट पे भी जाते हैं, और यही चीज इनका मैसेज यही रहता है, और कभी भी आप करण भाई से मिलो एकदम चेहरे में मुस्कुराहट, पॉजिटिव आदमी है एकदम, देखते दिल खुश हो जाता है। हाँ भाई अभी मैं तो भाई करण भाई को देखो, करण भाई से मिलो, करण भाई की बातें सुनो, बिना माइक के जबरदस्त आवाज है, सॉलिड और कमाल है, तो मजा आ गया। देखो हमारी आवाज बढ़ गई करण भाई से बात करते करते, यार कमाल की बात ही है। आपकी तो कई बार कंप्लेंट आती है ना कि आपकी आवाज कम आ रही है। देखिए आज नहीं आई होगी हमारी आवाज कम, क्योंकि क्या है ना कि आज आपसे बात करते हुए लग रहा है जोर जोर से बोल रहे हैं, रियलिटी पैक है। नहीं मेरा बोलने का वक्त में मेरा ले चाहिए है, मेरे को आवाज वो एडिटिंग में कम करनी पड़ती है अब। नहीं ये बात सच है, नहीं मगर बढ़िया भाई, करण भाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मैं अनुपम भाई नूर भाई सब मिलकर इंडस्ट्री को साफ सुथरी रखो, जिनको प्लेयर बनना है वो भाई से स्टेरॉइड लो, एनाबोलिक लो, नो प्रॉब्लम, जिनको सिर्फ फिटनेस करनी है वो सिर्फ फिटनेस तक लिमिट रही। अच्छी गाइडेंस में करो, अच्छी तरह करो, फिट रहो, अच्छे दिखो, कपड़ों में भी अच्छे दिखो, और जब कपड़े उतारो तो उससे भी अच्छे दिखो। मैं एक बात कहता हूँ नूर भाई, अगर तुम 10,000 रुपए कोच के बचा रहे हो ना, फिर किसी दिन डॉक्टर को 50,000 दोगे। 100% ये 100% है, उनकी जो जवानी का टाइम आता है ना, शादियों का टाइम आता है, ऐसी ऐसी एज में लड़के मैंने देखे हुए 28, 27, 30, 30+, कभी भी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनको किसी को प्रॉब्लम भाई, उनके चाइल्ड नहीं है, वो रीजन क्या है, ओवरवेट, खाना पीना,
उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम डाउन हो चुका है, उनको बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम आपको क्या क्या खुल के बताएं कि काफी सारी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, ऐसी बहुत सी चीजें जो बचपन से जंक फूड सब सारे जंक फूड खा के अभी आप अगर पीछे चले जाएंगे, काफी पीछे जाएं, ज्यादा भी नहीं कि हम 1985 या 1990 में चले जाते हैं, तो वहां पे बर्गर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, वहां पे पिज्जा नाम की कोई चीज नहीं होती थी, कुछ नहीं, पराठे खा रहे होते थे। अभी आई है तो सारी चीजें, हॉट डॉग, ये वो सब आ गया ना, ये सब चीजें आती गई हैं। और आप ये देखते रहेंगे कि इन्हीं दरमियान आपने इतना सब कुछ खो दिया अपने आप से, ठीक है, और खोने के और उसका रीजन क्या होता है, एक तो आप कुछ करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को रेडी नहीं है किसी भी चीज को, और आपने चूज ऐसी ऐसी डाइटें कर ली है, ऐसे ऐसे खाने कर लिए हैं कि आप कहते हैं कि नहीं कि भाई पहले ये खाऊंगा, खा के फिर क्या आएगा, सुस्ती आएगी, नींद आएगी। गाइडलाइंस, आपको गाइडेंस पूरी अच्छी मिलनी चाहिए, आपके पास में फैसिलिटी है, बट क्या होता है कि आप जाया करते हैं इधर उधर खाने पीने में। अगर वही पैसा आप सेव करके कहीं 2-4 महीने किसी अच्छे ट्रेनर के पास में ट्रेनिंग कर ले, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सीखने को मिलेगा, दूसरा अपनी फिटनेस आपकी अच्छी हो जाएगी, अपनी फिजिक अच्छी। आपको ट्रेनिंग इतनी सस्ती हो गई है, इतनी महंगी भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लोग देने लग गए, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म मिल गए, तो क्यों नहीं करना चाहिए। और एक बार रियलिटी में देखो, बाहर जितने भी लोग, आप तो लोगों ने घर में अपने जिम बना लिया, बिल्कुल अपने इंडिया में एक फंडा है, पैसा कमाते सारी सेहत खो देते, फिर सेहत को बचाने में बाद में डॉक्टर को पैसा देंगे बाद में, बराबर, बिल्कुल। तो करण भाई थैंक यू सो मच, आप आगे लाइव मेरे साथ में आज, बहुत शुक्रिया। ठीक है नूर भाई, लोगों को मोटिवेट करके जाना और थोड़ा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट। तो ये देख करण भाई, अच्छी अच्छी बात हुई, बहुत सारी टिप्स दे दी इन्होंने भाई, इनकी आवाज का तो दम आपको मालूम है, क्या इन्होंने आज हमारी भी आवाज खुलवा दी। हाँ यार, ये बहुत जरूरी है, आई लव यू सर, आई लव यू टू, सही है भाई। तो देखो ऐसा होगा भाई, करण भाई और हमने अच्छी सी बात करी है, बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने भी बताया, अपना भी कुछ शेयर किया हमने भी, और अगर हम में से, हम दोनों में से किसी से भी कुछ गलत बात, कुछ गलत वर्ड हमने यूज कर दिया हो या निकला हो, तो उसके लिए करण भाई को भी और हमें भी, भाई दोनों को हमें माफ करिएगा, अदरवाइज जैसे हमने कुछ कहा नहीं, कुछ ऐसी बात बोली नहीं है। और आगे चलते हैं, आप लोगों से लेते हैं और क्वेश्चन और। तो दोस्तों आपने पूरा लाइव देखा होगा, देखो कुछ लोग ये मानते हुए कि करण भाई भी, मतलब जैसे मैं वीडियो बना देता हूँ, ये मानते हुए साहिल खान से, जुनेद से, इनसे चिढ़ता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, अपने अंदर किसी भी धर्म को लेके भी हेट नहीं है, किसी इंसान को लेके भी हेट नहीं है। मैंने जैसे बताया कि धर्म से जरूरी है अपना कर्म, हम जो काम कर रहे हैं ना वो जरूरी है, काम अच्छा होना चाहिए, धर्म धर्म की कोई बात नहीं है, हर धर्म में हर कास्ट में कुछ अच्छे बुरे लोग हमेशा सबको आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरी देखो नूर खान से वहां भी मुलाकात हुई थी, गेम में भी, मुंबई शो में भी, वैसे भी बातें होती रहती है, तो इंसान की जब इंसानियत इंसान को अच्छी लगती है ना, सामने वाले का लहजा अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिक जुड़ाव हो जाता है, उसमें धर्म कर्म की कोई बात नहीं होती। कुछ लोग यहाँ कॉमेंटों में लड़ाई करते रहते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं बहुत सारे कॉमेंट तो मुझे हटाने पड़ते हैं। अरे भाई, तुम्हारा इसी चीज से पता लग जाता है कि तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सोच, थिंकिंग कैसी है किसी को लेके। किसी भी विचारधारा का विरोध करना बिल्कुल गलत नहीं है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि एक एज के बाद हर किसी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो ही जाता है कि इसका बोलने का लहजा क्या, थिंकिंग क्या, हम थोड़ा बहुत सामने वाले को जज कर सकते हैं, तो अगर उसके विचार अपने को अच्छे नहीं लगते तो उसका विरोध करा जा सकता है, वो एक इंसान का विरोध हो रहा है, ना कि किसी धर्म का, ना कि किसी स्पेशल प्रैक्टिकल है भाई ये, मैं इससे जलता हूँ, हेटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं हमेशा मैं बताता हूँ, हेटर ही सपोर्टर होता है। अगर मैं किसी को हेट कर रहा हूं और मान लो उसके पीछे लगा हुआ हूं, तेरी बॉडी ऐसी नहीं वैसी नहीं, और कल को वो मेरी बातों को सुन के पिंच लेके और कहीं मेडल मारेगा ना, तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं उसका, जिसकी वजह से उसको बातें बुरी लगी और उसने मेडल जीता। तो भाई फिर इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, कर्म अच्छा करो, धर्म से कोई वो नहीं है, धर्म आदमी किस घर में पैदा हो रहा है वो ऊपर वाले की वो है, इसमें कोई हिंदू को पैदा हो रहा, कोई मुसलमान को, कोई सिख ईसाई को, तो ये लड़ाई पढ़ाई अपने तक ही सीमित रखा करो भाई, ये तुम्हारी ना थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज करो। और रही बात मेरे चैनल पता भाई, चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो, होगी स्पष्ट सच्चाई। मैं किसी एक आदमी की पर्टिकुलर वो नहीं लूंगा कि तू उसकी तारीफ करूंगा, ये करूंगा, जिसकी बातें अच्छी लगेंगी अच्छी बताएंगे, जिसकी बुरी लगेगी बुरी बताएंगे। बाकी आज का वीडियो यही था भाई, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।